गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी में तीन वर्णों से बने बिना मात्रा वाले शब्द लिखना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको तीन वर्णों से बने बिना मात्रा वाले शब्द लिखना बताया था, आज हम रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की डेट है 21 मंथ 7 ईयर 2020, क्लास UKG, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आपको क्लास और सब्जेक्ट नहीं लिखना है, आपको CW डालकर जैसे मैं बताऊंगी उसी तरह से लिखना है। आइए बच्चों, हम राइट करते हैं। पहले नंबर पे है जोड़कर लिखिए। हमें इन वर्णों को जोड़ना है और जोड़कर यहाँ पे शब्द बनाकर लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। क म ल, हमारा शब्द बन गया कमल। लिखते हैं क म ल। आगे देखते हैं म ह ल, हमारा कौन सा शब्द बना? महल। अब लिखेंगे हम म ह ल, महल। आगे देखते हैं बच्चों ड ग र, कौन सा शब्द बना? डगर। लिखेंगे ड ग र, डगर। आगे चलते हैं न म क, कौन सा शब्द बना? नमक। आइए लिखते हैं न म क, नमक। आगे देखते हैं भ व न, कौन सा शब्द बना? भवन। आइए लिखते हैं भ व न, भवन। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरे नंबर पे है तीन अक्षरों वाले पांच शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, इन्हें देखकर हमें यहाँ पर लिखना है। शब्द है म ट र, मटर। लिखेंगे हम म ट र, मटर। अगला देखते हैं न ह र, कौन सा शब्द बना? नहर। आइए लिखते हैं न ह र, नहर। आगे देखते हैं प व न, पवन। आइए लिखते हैं प व न, पवन। आगे चलते हैं बच्चों क ल म, कलम। आइए लिखते हैं क ल म, कलम। आगे चलते हैं बच्चों न म न, नमन। आइए लिखते हैं न म न, नमन। ये बच्चों आपका CW है। आप साफ एवं सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में राइट करेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।